क्या आपने कभी बैंगन का भरता बिना तेल के बनाया है, वो भी बिना गैस पर भूने? आज के वीडियो में मैं मसालेदार बैंगन का भरता बनाऊंगी, बैंगन को स्टीम करके बिना तेल की ग्रेवी में। साथ ही आप देखेंगे सूखा तड़का और ग्रेवी कैसे बनाएं, जो आप किसी भी दाल और सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रही लिस्ट आज की सामग्री की। एक छोटा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, डेढ़ छोटा चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ छोटा चम्मच जीरा पाउडर, डेढ़ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक कप कटा हुआ प्याज, दो टमाटर, एक इंच अदरक का टुकड़ा और चार दाने लहसुन। इन तीनों चीज़ों की मिक्सी में प्यूरी बना लें। नमक स्वादानुसार, 750 ग्राम बैंगन, ताज़ा धनिया सजावट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्जी पकाने का सबसे सेहतमंद तरीका है उसे स्टीम करना। इससे उसके सारे पोषक तत्व बने रहते हैं। बैंगन को स्टीम करने के लिए मैं उसे दो हिस्सों में काट रही हूँ और स्टीमर में रख रही हूँ। इसे हम 20 से 25 मिनट में चेक करेंगे। तब तक हम सूखा तड़का बना लेते हैं। जीरा भूनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए पैन में सबसे पहले जीरा डालेंगे और जब इसकी सुगंध आने लगे तब हम इसमें कसूरी मेथी डालकर बस कुछ ही देर पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। पाउडर वाले सारे स्पाइसेस हम गैस बंद करने के बाद ही डालते हैं, वरना वो जल जाएंगी। आप कोई भी पाउडर स्पाइस इस समय ऐड कर सकते हैं, पर आज के लिए, आज की रेसिपी में मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब ये सूखा तड़का तैयार है और हम इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए साइड में रख रहे हैं। ग्रेवी बनाने के लिए भारी बॉटम के पैन में प्याज को पकाएंगे। अगर ये चिपकने लगे तो एक दो बड़ा चम्मच पानी डाल सकते हैं। जब भी ज़रूरत लगे पानी डाल सकते हैं। मैं गर्म पानी साथ में रखती हूँ। ठंडा पानी डालने से पैन ठंडा हो जाएगा और उसकी वजह से प्याज को पकने में ज़्यादा समय लगेगा। जब तक प्याज पक रहा है हम बैंगन चेक कर लेते हैं। अब बैंगन भी पक चुका है, इसे स्टीमर से निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। अब प्याज भी पक गए हैं, इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल दें और सूखा तड़का भी डाल दें। इसको धीरे गैस पर पकने दें ताकि सारे फ्लेवर आपस में मिल जाएं। अब बैंगन ठंडा हो गया है, हम इसे आसानी से चम्मच से इसके छिलके से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फोक से मैश कर लें। अब हमारी ग्रेवी भी तैयार है, इसमें मैश किया बैंगन डाल दें और धीरे गैस पर कुछ मिनट पकने दें। गैस बंद करके नमक डाल लें। सर्विंग डिश में इसे शिफ्ट करें और ताज़े धनिए से सजाएं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं और टिप्स देखना और हेल्दी रेसिपीज़ देखना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करिएगा।